सन का टंका, ज्योतियों को शंका, स्वागत है आपका, ये देश है हमारा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अरे आप इनको बयान दिखा दीजिए भाई, न्यूज़ एटिंग पे बयान दिखा दीजिए। बोला कि नहीं बोला? बोला था आप सिलेक्टिव है। आज जरा सी आलोचना कर दो, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम भारतीय हो ही नहीं, तुम विरोध विदेशी हो, तुम मुल्ला हो। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, गठजोड़ उनसे तोड़ दीजिए। मेरा गठजोड़ राम से है दादा, हम सबका गठजोड़ राम चाहिए भाई। बात है, जीवन की शुरुआत राम है, जीवन का अंत राम है, अनंत राम है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये देश है हमारा। वीकेंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम, ये देश है हमारा। अगर शेखों के शहर में शंख ध्वनि गूंजने लगे तो यह घटना सामान्य रह ही नहीं जाती। अगर अमेरिका के दो बड़े राज्यों में दिवाली पर छुट्टी का ऐलान हो जाए तो ये कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती। अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन जाए तो ये भी कोई आम बात नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि जो सनातन धर्म ये कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, उसे आज पूरी दुनिया में एक नया आत्मविश्वास मिला है। और ये देश और दुनिया में फैले 125 करोड़ सनातनियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि भारत की वासुदेव कुटुंबकम वाले देश को आज दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन अपने ही देश में कांग्रेस अपनी पार्टी के इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को सिर्फ इसलिए पार्टी से निलंबित कर देती है क्योंकि वो प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, वोट बैंक के लिए किसी ने सनातन को समाप्त करने की कसम खा रखी है तो किसी ने सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना और एड्स की संज्ञा दे दी है। यहां तक कि इतनी अभद्र बातें हुई जिसको इस मंच पे कहना मेरे लिए दुखदायक और पीड़ादायक है। तो सवाल है कि क्या मोदी के विरोध में देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर गहरी चोट हो रही है? आज इसी मुद्दे पर युवा जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी वीकेंड की चर्चा। सनातन का डंका, विरोधियों को शंका, स्वागत है आपका, यह देश है हमारा। भी देश से लेकर विदेश तक ये सनातन का डंका है। और ये भी संयोग है कि मात्र महीने के भीतर पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर प्रधानमंत्री के हाथों अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। अमेरिका से ब्रिटेन तक, ऑस्ट्रेलिया से खाड़ी के देश तक, सनातन को नई पहचान मिल रही है, नया सम्मान मिल रहा है और सनातनियों का आत्मसम्मान भी बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अपने ही देश में सनातन को कोसने का और सनातन विरोधी एजेंडा चलाने का ट्रेंड खुलकर सामने आया है। यहां तक कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के चलते कांग्रेस में इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निलंबित कर दिया। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। जिनका नाम ही शंकर पर है, मल्लिकार्जुन जी, जिनका नाम राम पर है, येचुरी जी, सीता राम जी, और जिनके पोते ने कहा राम नहीं हुए, जिनके बाबा का नाम ही भगवान का पर्यायवाची था करुणा निधि जी, पोता बोला राम नहीं हुए, उन्होंने तो सनातन को भी बहुत बुरा, उन्होंने कहा राम नहीं हुए,
मैंने कहा राम नहीं हुए और बाबा हो गए तुम्हारे। एक तर्क होता है कि भारत सेक्युलर देश है और ऐसा लग रहा है कि भगवाकरण हो रहा है, पूरे सिस्टम का भगवाकरण हो गया है। कोई सरकार भगवाकरण नहीं कर सकती, सिर्फ भारत देश के लोग कर सकते हैं। अगर ये देश भगवा रंग में रंग गया है तो हम क्या करें इसका? हम क्या करें जब हमारी सोई हुई सनातन संस्कृति जाग उठी है, हमारा शौर्य जाग उठा है, हमारा पराक्रम जाग उठा है। तो सवाल है कि जिस सनातन को दुनिया सलाम कर रही है, क्या कुछ नेता और कुछ लोग मोदी विरोधी एजेंडे पर काम करते हुए सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आज जनता के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब वक्त है जानने का कि आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं। और तीन बड़े मुद्दे हैं। मोदी राज में सनातन को ग्लोबल सम्मान मिला है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मोदी विरोध में सनातन विरोधी एजेंडा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। वोट बैंक के लिए क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर लगातार भीतरघात हो रहा है और लगातार चोट हो रही है, तीसरा बड़ा मुद्दा यह है। और चौथा बड़ा मुद्दा है मेरे युवा मित्र जो आज सवाल पूछेंगे यहां पर, जिनको क्या लगता है सनातन के बारे में। और इन सबका अभिनंदन है तो जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन करिए मेरे युवा मित्रों का यहां पर। और साथ ही साथ मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज है प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु है, उनका अभिनंदन है। और भिक्षा यात्रा चला रहे हैं, एक वर्ष ऊपर हो गया है और एक ही बात कहते हैं कि बटो मत और बटो मत। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है जो कि वैसे तो नास्तिक है लेकिन लेफ्ट के बड़े नेता है। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता, उनको भी नमस्कार हमारा। और राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और अपनी बात बहुत शालीनता और सौम्यता के साथ रखते हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन है आप सबका। लेकिन आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं और खुल के बोलिए, ये मंच आपको मिल रहा है, खुल के बोलिए, अपना हाथ खड़ा करिए और अपनी बात को रखिए। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या आपको लगता है ये सनातन धर्म के लिए एक बड़ा मौका है? हाँ जी सर, मेरे लिए ये कहना गर्व की बात है कि ये सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है हमारे देश में, ये अच्छे अच्छे निर्णय सनातन के लिए हित में ले रही है जी, जिसके बिहार पे मैं ये कहना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी। और कोई कुछ कहना चाहता है बोलिए। जिस तरह से कांग्रेस द्वारा और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार सनातन धर्म के अनुयायियों पर हमला बोला जा रहा है, जी, जी। उस हिसाब से तो लगता है कि हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता है, कोई भी आस्था के साथ खिलवाड़ करके नहीं जीता जा सकता। चलिए इस चर्चा की शुरुआत शादाब चौहान आज आपसे करते हैं, नॉर्मली आपसे ओपन नहीं करते, रिबेट आज ओपन करते हैं और 50 सेकंड का वक्त आपको मैं देता हूं। क्या आपको लगता है ये सनातन युग है भारत के लिए और सनातनी संस्कृति जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी नाम दिया जाता है वो सर्वोपरि है? और शायद 70 साल से लेफ्ट ने, बड़े नेताओं ने यह समझाने की कोशिश करी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम की कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, समझ गई। देखिए सनातन का जो मैंने अध्ययन किया है वहां करुणा है, भाव है, न्याय है, अहिंसा है, अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है और मानव मानव के भेद को समाप्त करके समान रूप से न्याय देना है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में 111वें नंबर पर आते हैं, यह सनातन का डंका हो नहीं सकता। जिस देश में बेटियों की इज्जत लूटे, मानव मानव में भेद हो, जाति जाति के नाम पर भेद हो, अत्याचार हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, युवा आंदोलित हो और आज भी लोग कानून को हाथ में लेने से न डरते हो, वहां सनातन का डंका नहीं। हां हिंदुत्व का डंका हो सकता है क्योंकि हिंदुत्व के ट्रू एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी जी, सनातन के नहीं। दूसरी बात, कहा कि वहां पर मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बना, लेकिन हम क्या संदेश दे रहे हैं? अगर अमेरिका और यूएई, जिसको एक को कहा जाता है कि मुस्लिम मुल्क है, उसके बावजूद वो हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं और हम यहां के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। दूसरी चीज, एक बात और, मोदी जी के समर्थन में एक चीज कह दीजिए, आज मोदी जी ने जो अरबी बोली, माशाल्लाह क्या गजब, मुझे लग रहा था बस घर वापसी करने वाले, कलमा पढ़ लेंगे, लेकिन एक संदेश दिया मोदी जी ने कि भारत के मुसलमानों को अगर प्रेरणा लेनी है मोदी जी से ले लीजिए, प्रेरणा लेकर के अरबी को एज अ लैंग्वेज
बचपन से सिखाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे मुसलमानों के बच्चे अरबी पढ़ेंगे तो समझेंगे, मोदी जी की शिक्षा को उनको सीखना चाहिए। ऐसा है कि आप किसी के मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले के अंदर उनकी चाय पी लो तो मोहल्ले को अपना नहीं मान लेना चाहिए, पहली बात एक। और पॉइंट नंबर टू, अभी आपने बोला कि देखिए यूएई ने क्या कर दिया है, बड़ा शानदार काम किया जी, एक हिंदू मंदिर वहां बना दिया है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए हम एक हिंदू मंदिर पर यहां नाच रहे, गा रहे और तालियां बजा रहे हैं। 3 लाख मस्जिदें हैं इस देश में, 35,000 चर्च है। वक्फ की जमीन जो है वो आर्मी के बाद और रेलवे के बाद वक्फ की जमीन है यहां पर, और हमको लग रहा है कि यूएई बहुत बड़ा एम्बेसडर है। अब आपने अपनी बात को रख लिया, मैं एक एक करके प्रेम शुक्ला प्रेम शुक्ला, ये जो यूएई के लिए ताली बज रही है और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के एम्बेसडर हो सकते हैं, भारत में हिंदुत्व का डंका हो सकता है, सनातन का तो डंका है नहीं, चौहान साहब की ये राय है। देखिए विरोधियों को विरोध के लिए कुछ तो बोलना है जी। अब उनके लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिस संयुक्त अरब अमीरात में हनुमान चालीसा लेकर कोई यात्रा नहीं कर सकता था, ओम का लॉकेट कोई पहन के जाता था उसको तोड़कर एयरपोर्ट पर रख लिया जाता था, वहां पर शेख जो हैं 27 एकड़ की भूमि देते हैं और वहां भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होता है, वहां शेख साहब स्वयं मौजूद रहते हैं, तो जो लोग कल तक शेख के नाम पर भारत में शेख ही बगाड़ते थे उनको तो निश्चित तौर पर पीड़ा होनी ही होनी है। जो बाबर और औरंगजेब की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं उनको पीड़ा है, जो दाराशिकों की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं वो आज जो कुछ वहां पर अबू धाबी में जिस तरह का मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से दो राष्ट्रों की संस्कृतियों का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से दो सभ्यताओं का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से दो हमारे जो हैं विचार दर्शन का स्वर्णिम संगम हुआ, वो देखकर निश्चित तौर पर हर कोई प्रसन्न होगा कि जहां से कट्टरवाद निर्यात होता था और भारत में आयात होता था वहां वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का सनातन का ध्वज जो है वो गगनचुंबी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उपलब्धि पर औरंगजेबवादियों को तो पीड़ा होनी थी और वो पीड़ा आप प्रकट रूप में देख रहे हैं। जी 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 ठीक है, क्या आपको लगता है, मैं आपके पास आता हूं विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आप भी खुश हैं कुछ होना हो, भारतीय संस्कृति का तो बोलबाला हुआ है, आप चाहे नास्तिक भी हो दिल से तो खुशी होगी। गंगा जमुनी तहजीब को जो मानते ना हो, जिस पार्टी के लोग जो कहते हो गंगा जमुनी तहजीब तो कुछ है ही नहीं, जो मानते ही नहीं है कि उर्दू की भी इस देश की विरासत है, जो मानते ही नहीं है कि ताजमहल भी यहां की विरासत है, ये आज कह रहे हैं साहब कि दो संस्कृतियों का संगम हुआ है। ये लोग जो कहते हैं 5,000-10,000 साल पहले हमारी संस्कृति थी, उसके बाद संस्कृति को बदलना ही नहीं चाहिए, नो चेंज इन कल्चर, नो चेंज इन ड्रेस, नो चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, ये वो पार्टी वाले हैं। आज ये वहां पे जाकर के ठप्पा लगवा करके आए हैं अबू धाबी में और कह रहे हैं साहब उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, इसलिए हम तो मानते हैं दो संस्कृतियों का मेल है। पहला मंदिर दुबई के अंदर 1958 में बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वो भी डंका बजवा सकते थे, वो भी वीडियो आप कर सकते थे, वो भी फोटो खिंचवा सकते थे, वो भी सनातन का डंका कहकर वोट मांग सकते थे, नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि रिलीजन और राजनीति को अलग रहना चाहिए। राम व्यक्तिगत हैं, महात्मा गांधी के राम थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इससे शुरू होती थी हर पॉलिटिकल मीटिंग कांग्रेस की साबरमती के आश्रम में, और इनके राम है नाथू राम के राम। स्वामी दीपांकर कि राम में भी फर्क हो गया है और ये कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति बदलना नहीं चाहते, पहनावा बदलना नहीं चाहते, खान पान बदलना नहीं चाहते, हम सब कुछ वही रखना चाहते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात से कहना शुरू करूंगा क्योंकि बात अयोध्या से अबू धाबी तक की है, तो यही था कि आज खेलूंगी होली रसिया कह बिस्मिल्ला, बुल्ले शाह कहते थे और अमीर खुसरो कहा करते थे कि छाप तिलक सब छीनो मुझसे नैना मिलाए के। तो यह हमारी संस्कृति और मुझे लगता है इससे हर व्यक्ति को गर्व होना ही चाहिए। अच्छा क्यों गर्व ना हो? आध्यात्म को, चेतना को, संस्कृति को हम लोगों का प्राण कहा गया है और अगर हम उसी प्राण में रमण करते हैं, और बात जब राम की होती है तो राम का तो अर्थ ही है रमनते तत्र देवता, जो सभी में रम जाए, जो सब उसमें रम जाए, पूरे विश्व को जो सेटल्ड करता हो वो राम है। तो राम का नाम लेना कहां अपमान हो सकता? हां 14 से पहले जरूर होता था, अगर जय श्री राम कहे तो कम्युनल कहलाते थे, मगर आज अगर जो जय श्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है कि आत्मा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर जय श्री राम बोलती होगी। मगर आज
गांधी के राम राम नहीं थे? बड़ा रोचक एक शब्द, गांधी के राम राम नहीं थे? मैं आपकी बारी में 2014 के पहले महात्मा गांधी राम राम करते थे तो राम नहीं थे? जब आपकी तब वो राम कम्युनल थे, ये कट सी लोग कहते थे राम क्यों बोल रहे हैं गांधी? आप बोलेंगे आप राम के नाम पे कह रहे हैं कि 2014 के बाद राम को माना इस देश ने? आप क्या कह रहे हैं? एक एक करके आप क्या कह रहे हैं? चिल्लाइए मत भाई, बोलने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोलिए, मैं अपनी में बोलूं। आप राम और मोदी को जोड़ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कटसी, आप राम की क्या का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये करते मैं सोच रहा हूँ आप क्या बोलने नहीं दे रहे हैं? ये सोचिए, छोटा नहीं बोलने दूंगा आपको। अगर 2014 के में आपके हिसाब अगर नहीं बोलने राम का उदय तो फिर दूसरा हमारे पास रास्ता है। मैं और ऐसा नहीं, अगर एक 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 करके अच्छा एक शब्द इसमें एक 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 शब्द राम पर राम का नाम लेते ही जो है स्टैलिन नाराज हो जाता है। देख लीजिए आप, राम का नाम ले तो स्टैलिन नाराज हो जाता है भीतर का। मैं बोलूं तो दुख होता है, आप बोले कि भारतीय सेना को खून ना दे तो जायज है। क्या यार सब, थोड़ा सा शर्म कीजिए। संदेश खाली पड़ता है, ये रहा संदेश खाली बंगाल में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब यूथ बैठे हैं, युवा बैठे हैं, आप ही का जिक्र कई बार इन लोगों ने किया, ये रहा संदेश खाली बंगाल में। हिंदू महिला है तो उठा लीजिए रात में और कार्यालय पर उसके साथ बदसुलूकी कीजिए। एक आदमी के जुबान बोली मत दीजिए, जुबान क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। बोलने नहीं देंगे हुआ ना वहां पर, आपने आवाज उठाई है क्या? ये कोई बात नहीं, सुनना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। मैं व्यूज बताता हूँ, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है संदेश खली के अंदर, और बताना जरूरी है। और अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र करा, इन दिनों पूरे देश ने किसानों की हक की चर्चा करी है और किसानों के हक की चर्चा करी है, और चर्चा होनी भी चाहिए जी, बिल्कुल किसानों की चर्चा हो। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि एक राज्य ऐसा है इस देश के अंदर जिसका नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहां पर इलाका है संदेश खली। वहां पर क्या हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के लोग आए दिन रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनके पतियों को कहते हैं, उनके भाइयों को कहते हैं कि ये महिला हो सकती है तुम्हारे घर पे हो, लेकिन इसका अधिकार, इसका जो अधिकार है वो हमारे पास है। सोचिए ये आज के भारत में हो रहा है, और जो लोग कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो सब लोग खामोश है, क्योंकि वो मुद्दा संदेश खली है, वो बंगाल में पड़ता है, इसलिए मौन धारण कर रखा है। और इससे ज्यादा घोर शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये देश को पता ही नहीं है अभी तक संदेश खली में जो हो रहा है, कहां है राहुल गांधी, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कहां अखिलेश यादव जी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कहां लेफ्ट, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कहां शहबाज चौहान, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, कहां साउदीन ओवैसी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि संदेश खली को लोग, संदेश खली के मामले में माफ करिए विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, वो दिखाई देना बंद हो गया है। संदेश खली में जो जो दर्दनाक काम हो रहा है वो घोर पाप है, घोर पाप है, और आजाद भारत में शायद कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा जो संदेश खली में हो रहा है। अगर मैं हिंदू शब्द जोड़ रहा हूं तो वहां उस बात को इंगित किया गया कि हिंदू महिलाओं को उठाकर कि क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है अमीश, और अगर गुनाह है तो एक व्यक्ति बताए कि उठ करके गुनाह है, और अगर गुनाह नहीं है तो क्यों महिला टारगेट पर रहती है वहां पर, चाहे वो या हो और चाहे वो कहीं दुनिया के कोने में हो, मगर अगर ये सामने बहन बेटियां बैठी हैं, ये सब न्यूज देखती हैं, और ये सारे भाई बैठे हैं, सारे न्यूज देखते हैं। हम लोगों का जीवन, आप राम और कृष्ण के वंशज हैं, हम लोगों का जीवन व्हाट्सएप पे स्टेटस और डीपी लगाना मात्र नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहो भाई साहब, उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अंदर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। एक आदमी बोलने को तैयार नहीं, आपने इतनी बड़ी बात कही। अरे शाहजा शेख का नाम नहीं ले रहे लोग, शाहजा शेख का नाम नहीं ले रहे। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ राजकुमार भाटी है। एक तरफ सनातन की बात हो रही है और दूसरी तरफ संदेश खली की भी बात हो रही है, क्या लगता है भाटी जी आपको, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है हर तरफ, हर तरफ? नहीं, जहां से आपने शुरुआत की ये बहुत अच्छी बात है, हर हिंदू अनुयायी को, जो हिंदू धर्म का अनुयायी है, उसे प्रसन्नता होगी कि हमारे धर्म का नाम देश की सीमाओं से बाहर जा रहा है। UAE में भी मंदिर बन रहा है, अमेरिका में भी मंदिर बन रहा है, और सनातन और हिंदू सभ्यता जो है बहुत प्राचीन सभ्यता है, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है जी। और ये कोई कहने लगे कि नहीं आज किसी की वजह से देश को लोग जानने लगे, कभी कोलंबस और वास्को डिगामा क्यों चले थे भारत को खोजने के लिए? भारत का नाम था तभी तो चले थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने विदेशी लोग आए, भारत का सिक्का चलता था, भारत से लोग प्रेरणा लेते थे। लेकिन ये जो मंदिर अमेरिका में और UAE में बने हैं, इनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनका जिक्र करना चाहूँगा।
धार्मिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको गर्व है। जो धर्म जिस देश में जिस क्षेत्र में पहुंच जाता है उस धर्म के धर्म स्थल में बन जाते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं थी क्योंकि कोई मुसलमान नहीं था। जब मुसलमान इधर आने शुरू हुए, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई, तो उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू कर दी। ईसाई आए तो चर्च बनने शुरू हो गए, जहाँ सिख होंगे वहाँ गुरुद्वारे होंगे। तो इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य ये भी है कि हमारे लोग देश छोड़ के संयुक्त अरब अमेरिका या अमेरिका जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, और वहाँ पे हमारे लोगों को इस देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसका ये भी तो हमें समीक्षा करनी चाहिए। अभी पीछे नहीं, रोजगार लेने के लिए अब इजराइल में के बाद जा रहे हैं, उससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है जी। वहाँ किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, लोग मौत के मुंह में हैं। यूपी में यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि इजराइल में जिसे नौकरी करनी हो, मजदूरी करनी हो, रजिस्ट्रेशन कराएं। 15,000 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। 15,000 लड़के यूपी के इजराइल जाने को तैयार हो गए, जहां पता है कि मौत है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये स्थिति। अब संदेश खली की बात आई, संदेश खली पर मैं ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा इसको हमने गंभीरता से लिया है, इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अरे ऐसा कहना कि इस पर किसी को चिंता नहीं है, हर पार्टी को सबको चिंता, बहन बेटी सबकी होती हैं। लेकिन एक बात बताइए कि उधर तो हम इतनी नज़र रखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर 3,690 रेप हुए हैं, 3,690, 11 रेप रोजाना हुए हैं। ठीक, इन पर भी तो सवाल उठना चाहिए। ठीक, क्या रेप की घटनाएं नहीं है? और दूसरी बात बताऊं, देश उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेप किया लड़कों ने, वो अरेस्ट हुए, कौन है वो? ये सब सारे अखबारों सब ने फोटो आए, ये कौन है, किस किस नेता के साथ उनके फोटो हैं? सारे वही उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रेम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। ये ग्लोबल डंका नहीं है सनातन का, ये तो सनातनियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो होगा ही हर जगह। देखिए यूएई में 38 लाख पॉपुलेशन जो है भारतीयों की है, उसमें से 30 लाख से अधिक लोग 2014 के पहले से रह रहे हैं, और 1997 से प्रमुख स्वामी जी जो स्वामीनारायण मंदिर जो बना है, 1997 से उनकी चाहत थी कि वहाँ पर मंदिर बने, लेकिन 2015 के पहले वहाँ भूमि आवंटित नहीं हुई। तो आप बताइए कि संख्या बढ़ने कारण हुई, एक झूठ तो सीधा सीधा यहीं इनका पकड़ा जा रहा है कि कैसे झूठ बोलते हैं लोग। हिंदू नहीं है मंदिर बन रहा, लेकिन लेकिन मैंने कहा जिस धर्म के अनुयायी पहुंच जाते हैं। हाँ तो सुनिए ना, वही तो बता रहा हूं, स्थल बनने जा रहे हैं। बता क्या रहा हूं, मैंने कब कहा कि 14 के बाद आने लगे हैं? नहीं, मैं बताया ना कि भाई 2014 के पहले हिंदू थे 35 लाख, पहले पीछे का तो मैंने सवाल ही नहीं उठा लीजिए। वही तो बता रहा हूं मैं, सुनिए तो, आपका सवाल नहीं है, मेरा जवाब है ये कि 2015 के पहले वहां भूमि आवंटित नहीं हुई, जबकि 97 से मांगी जा रही थी। 97 और 2015 में 18 वर्षों का की अवधि बीत गई, उन 18 वर्षों में नहीं मिला। और अगर 2015 में मिला और प्रमुख स्वामी जी कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखे जाने के कारण मिला, तो नरेंद्र मोदी जी को श्रेय न देके अखिलेश यादव को श्रेय दे दिया जाए। आप ही बताइए किसको श्रेय देंगे, अखिलेश यादव को? किसको श्रेय जाना चाहिए? एक सेकंड, मैं पूछ लेता हूं, हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। ओके, श्रेय किसको जाना चाहिए आपकी राय में? सर लेकिन एक मंदिर अयोध्या में बना के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ देना और कई सारे लोगों के घरों को तोड़ना, क्या ये भी कितना हद तक पर तोड़ा? कहां तोड़ दिया? कहां तोड़ा? स्वयं कहा है, शंकराचार्य ने स्वयं कहा है 3,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए, माननीय शंकराचार्य ने जवाब आपका प्रेम शुक्ला जी ने ना, अयोध्या में श्री राम मंदिर के परिसर के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, एक बात। और ये किस शंकराचार्य को आप कोट कर रहे हैं? ज्योतिर्मठ, कौन से, क्या नाम है उनका? युक्तेश्वर जी महाराज। देखिए अभिमुक्तेश्वर जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, कोई नहीं कहा, डबल चेक कर लीजिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रेस बयान जारी करके कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते प्रधानमंत्री जी, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनता। सिलेक्टिव बयान, सिलेक्टिव कोर्ट कर रहे हैं, बोला बोला सिलेक्टिव कोर्ट कर रहे हैं। अरे आप उनको बयान दिखा दीजिए भाई, मैं बता देता हूं, न्यूज़18 पे बयान दिखा दीजिए कि मैं आपको भेजूं। एक सेकंड, आप इन्होंने बोला ये नहीं बोला, यही बोला आपने? नहीं, बोला कि नहीं बोला? नहीं, एक सेकंड यही रुके, सब कुछ यही रुकेगा, सब कुछ यही रुकेगा। मैं प्रोग्राम रोकने को तैयार हूं यहाँ पर, प्रोग्राम एक सेकंड। ये जो बात प्रेम शुक्ला ने बोला
वो स्वामी जी ने बोला, वो बोला कि नहीं बोला, हाँ या ना, हाँ या ना, वो एक हाँ या थोड़ा था, बड़े स्टेटमेंट का छोटा सा सिलेक्टिव, बोला कि नहीं बोला, सिलेक्टिव बोला था, आप सिलेक्टिव है, पॉइंट ये है कि बोला था, उन्होंने तो कि बोला था भैया, उन्होंने तो कैंडिडेट खड़ा करा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये नहीं बोलेंगे आप जी, जवाब जवाब, लोकसभा के चुनाव में तो कैंडिडेट खड़ा किया था। अब देखिए, अब रोने से कुछ नहीं होगा, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहां पर सब लोग जाके दर्शन पूजन कर रहे हैं, और मेरा तो मानना है कि ये मेरा मानना है, इसको कोई पर्सनली नहीं ना ले, अपने पाप धोने हैं तो सब लोग जाके दर्शन कराएं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, जिसको अपने पाप धोने हैं, जिसको पाप नहीं धोने वो अपना लगा रहा है, जो कर रहा है वो करता रहे के लिए, नहीं ये नरेंद्र मोदी जी मेरे पास टिप्पणी नहीं है किसी भाई, मतलब कोई पास नहीं, पाप धोने के लिए मजदूरों की सेवा करो, किसानों की सेवा करो। अच्छा रोचक देखिए, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, राम अपने भव्य भवन में बैठ गए, मगर गजबे ये है कि आज तक दिल से टीस नहीं गया, आज तक नहीं गया, जो आज तक प्राण प्रतिष्ठा हुए, हफ्ता 10 दिन बीत गया, आज भी अगर चर्चा हो तो सिलेक्टिव और डिटेक्टिव बता रहे हैं, सोचिए कि अगर नहीं बन रहा था, अस्पताल बना लीजिए, स्कूल बना लीजिए, उसी के बाजू में 5 एकड़ जमीन बनी है, पॉलिटिकल है इनकी, पॉलिटिकल नेताओं को सलाम करने के चक्कर में सोचिए, शंकराचार्य इन्होंने साइड फेक दिया, मात्र बोलने के लिए ये गलत, वो हैं जिन्होंने पॉलिटिकल मास्टर्स को सलाम करने के चक्कर में शंकराचार्य को भी साइड फेंक दिया, इसका अर्थ ये है, कौन-कौन हमें एक-एक को गिना दूंगा, इसका अर्थ ये है, अरे जात ना पूछो साधु की, पर कोई बात नहीं, मैं जात बता देता हूं आपको, साधु के पास क्या है, पक्का आदमी होता है, नहीं नहीं आप शंकराचार्य जी के वक्तव्यों से कह रहे हो करते हैं या नहीं, मत कहा करो, वो धर्म को अफीम का नशा समझते हैं, अरे धर्म को तो छोड़िए, शंकराचार्य तो आपके धर्म का है, अरे भाई आपको शंकराचार्य से क्या लेना देना, नरेंद्र मोदी को आपको लेना देना शंकराचार्य में, शंकराचार्य को ही साइड में कर दिया, अमीश भाई मैं उठकर वहां चला जाऊं क्या, नहीं नहीं नहीं, कौन बोलता है यार, शादाब भाई चुप बैठे, राजकुमार भाटी चुप बैठे, प्रिंस अकेले व्यक्ति यार पूरे संसार को सर पे उठाए हुए, क्या स्टालिन भीतर घुस गया था, नहीं ये पॉइंट आपके तो मैं क्या कर सकता हूं, अरे भाई बोलने दीजिए ना, होगा नहीं होगा पॉइंट वो स्वीकार करेंगे, वो करेंगे ना जो ताली बजा रहे हैं, शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के डेट से अजय नहीं थे, आप बता दीजिए, नहीं आप बताइए ना, ये गलत बात है, आपके पास है नहीं शब्द, एक सेकंड, नहीं मैं यहाँ बैठ जाता हूँ भाई के साथ, नहीं नहीं आप जमीन पे, नहीं नहीं अरे अरे नहीं आप इधर लो, कर लो तसल्ली, आप इधर 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 बैठ जाइए, आप इधर इधर मैं इधर बैठ जाऊंगा, इधर आप अपनी बात, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी चुप बैठे हैं, अपनी बारी में बोल रहे हैं, राजकुमार भाटी शादा भाई अकेले व्यक्ति, क्या करें अब बताइए, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ, आई बैठिए बैठिए बैठिए, अब क्या करें बता सर, अब शांत हो जाइए ना, आप प्रश्न पूछिए, ठीक है प्रश्न पूछे का जवाब देंगे, गलत बताया, कहाँ पॉलिटिकल है, वोट मांगने के लिए 22 जनवरी को कर रहे हो, आप शंकराचार्य से एग्री कर रहे हैं या पानी नहीं? पी लो, आपने पानी का पानी भी हाथ में रखेगा, पानी बोलिए, जल ग्रहण कर लो थोड़ी देर के लिए, अब शांत रहिएगा जब तक जल ग्रहण करो, इनको 2-3 बोतलें और दो जी पानी की जी, अमीश भाई एक पंक्ति में कहूंगा जी, राम का काज था, राम ने करा लिया, राम से ऊपर इस धरती पर कोई नहीं है, ना मेरे लिए ना इन सबके लिए, पहली बात, दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर संदेश खाली की बात कह रहा हूं तो इन्हें तकलीफ हो रही है, मैं अगर राम की बात कहूं तो तकलीफ हो रही है, ये बताओ तो कहूं किसकी बात, विवेक भाई की बात बोलूं, ये जो कह रहा हूं गजब, और मैं 10 सेकंड नहीं बोले फिर वही हो रहा है, मैं हूं दादा उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर ना दूं मुझे रोटी हजम नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के लोगों की तो भाई साहब ये आदत है उत्तर जम कर देते हैं, तो मैं बहुत क्लियर एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति को कमतर आंकना कम करें, नीचा दिखाना कम करें, इनके मुंह से एक बार निकला कि जब उसने कहा कि सनातन धर्म का मैं डेंगू है मलेरिया है उन्मूलन करूंगा, हाँ और सनातन धर्म को एड्स बताया, एक व्यक्ति के मुंह से गलत नहीं निकला, और बात अगर जो हम लोगों के खिलाफ हो भाई साहब ये आसमान सिर पर उठा लेते, सर ये देश के लिए सेकुलरिज्म बहुत बड़ा है, हम कहते हैं कि इस देश के अंदर देखिए इन्होंने बोला अल्पसंख्यकों के साथ, ये शादाब भाई ने बोला अल्पसंख्यकों के साथ, देखिए कितना गलत हो रहा है, इस देश के अंदर एक व्यक्ति ने भगवान राम के बारे में क्या कुछ कहा और वो एक 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 कंटेस्ट जीत गया है, हम ये वो कंटेस्ट जीत गया, और एक एक महिला है नुपुर शर्मा, उसने एक शब्द बोला जिन शब्दों को कोई उन शब्दों को कोई जायज नहीं कहता, लेकिन वो अपने घर से नहीं बाहर निकल सकती, ये फर्क है जी, और सोचिए उसको लेने के लिए कितने लोग पहुंचे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उस काबिल नहीं है कि मैं उसका नाम लूं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सोचिए आप ही लोगों ने वोट डाला होगा ना, किसी ने तो वोट डाला होगा उस व्यक्ति को, यही भाई साहब इस कड़वी हकीकत है पर अकाट सत्य है इस देश का, कि आप नीचा दिखाइए, आपने नूपुर की बात कही, किसने कहा था कि सरतन से जुदा राजस्थान में,
हमने कहा आज 500 साल बाद राम का मंदिर बना, जाकर के वहां खड़े हो गए, ये गुनाह है। आज तक कृष्ण अपने मंदिर में नहीं पहुंच पाए। हमने एक बार बोला, अदालत के जरिए है ना, तो अदालत के जरिए लड़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ आज तक अपने भव्य भवन में नहीं विराज पाए, क्या यह गलत है? 500 साल बाद देश अपने 500 साल बाद भी देश अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकता इस देश में, और अगर करे तो भाई साहब इतनी बातें उसको सुनने को मिलती हैं। मैंने अगर एक सेकंड पहले कहा कि 2014 से पहले राम बोलना गलत था, क्या गलत कह रहा हूं? 2014 से पहले राम बोला जाता था तो क्या होता था? कॉम्बिनल कहा जाता। और एक भाई ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर, दादा इस देश में 2.5-3 लाख करोड़ की इकोनॉमी मंदिर की है, किसी की हैसियत के मंदिर तोड़ दे? तोड़ नहीं सकता। और जिसका समय खराब आता है वो मंदिर तोड़ने जाता है, और जिसका समय सही आता है वो राम के सामने सर झुकाता है। कौन से कितने लोग थे इस देश में जिन्हें राम के बारे में कहा गया कि निमंत्रण दिया गया? निमंत्रण दिया गया? निमंत्रण निमंत्रण दिया गया? कितने लोग गए? राजकुमार भाटी का रुख करता हूँ। राजकुमार, अब आप शांत होइए, अब तो राजकुमार भाटी बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी क्या बोलिए? स्वामी दीपांकर जी ने बहुत बढ़िया बोला, उनकी सारी बातों से सहमत होते हुए। बहुत वो संत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति भी हैं, लेकिन एक बात पे मुझे सख्त एतराज है। आपने एक बात बहुत गलत बोली, 2014 से पहले राम की कोई हैसियत नहीं। आप राम को कम कर रहे हैं, ये गलत बात कही। आप राम का महत्व कम कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। राम के बारे में आपने ऐड किया, आप वही काम कर रहे हो, विवेक जी वाले नहीं। मैं भाटी जी, आपने कहा 2014 से पहले राम को कौन बोलता था? नहीं कहा। राम हमेशा, वो देखिए वो भी गलत कह रहे हैं। राम कण कण में है, वो भी गलत मन में है। हम तो जब पैदा हुए तब से सुनते आ रहे राम राम जी, राम राम जी, सब लोग राम राम जी बोलते हैं। राम को हमेशा से राम थे। ये भ्रम पालना के कोई राम को लेके आए हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, और ये राम का भी अपमान है। 2024 में आके आप समझ गए, लेकिन सोचिए यही नारा लगाता है, लगाया था तो, और ये नारा आप ही का था। आज नहीं समझे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये देश है हमारा, में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार ये चर्चा और आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए व्यूअर्स, ये देश है हमारा न्यूज 18 पर। मुझे बोलने के लिए वहां आना पड़े तो इस भारत का ये फेल्योर है। राम को हवा में उड़ाने से लेकर और जय श्री राम करने तक ये सफर भी आपका जबरदस्त है। हमारे राम में, बीजेपी के राजनीतिक जय श्री राम में जमीन आसमान का कैसे समझा दी? हमारे राम प्रेम के राम है, अच्छा एकता के राम है, भाईचारे के राम है, बीजेपी के राम नफरत के राम है, आगे दंगे के राम है, आगे इनके राम मुंह में राम बगल में छुरी है, आगे इनके राम 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 जपना पराया माल अपना वाले राम, आगे आगे आगे। हम चाहते हैं, देखिए सुनिए, मैं अब आप पूछ रहे तो बता देता हूँ। सनातन में, हिंदू धर्म में आलोचना को, विरोध को कभी बुरा नहीं माना गया। बिल्कुल, बिल्कुल। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, किसी ने फतवा जारी नहीं किया तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू विरोध जारी नहीं होता जी। विवेकानंद ने हिंदू में फतवा जारी नहीं होता, होता है आज होता है। कब होगा? विवेकानंद बता, हिंदुओं में फतवा नहीं जारी होता? बताता हूँ, नहीं होता है क्या? विवेकानंद ने फतवा नहीं होता, विवेकानंद ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आज जरा सी आलोचना कर दो, तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम भारतीय हो ही नहीं, तुम विरोध विदेशी हो, तुम मुल्ला हो। आज ये हालत बना दिया। बताइए 14 के बाद ये पर्व बताइए। अब बताइए, कोई बोले सनातन धर्म एड्स है, सनातन धर्म डेंगू है, कोरोना है, सनातन धर्म हिंदू धर्म एक धोखा है, अगर ये कोई बोले और श्री रामचरित मानस की प्रत्या जताए तो इसको क्या, इसको सही माना जाएगा गलत? इसको सही मानेगा जाएगा गलत माना जाएगा? मैं तो गलत मानता हूँ। स्वामी दयानंद सही थे गलत थे? स्वामी दयानंद अपना कार्य कर रहे थे, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध में थे, स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ओके ओके ओके, जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला से। और नारी शिक्षा एक प्रश्न से पूछना चाहता हूँ। पूछिए, स्वामी दयानंद ने जो है सत्यार्थ प्रकाश में यह लिखा है कि काबा शरीफ में भी मूर्ति है, स्वीकारते हैं क्या? स्वामी दयानंद ने स्वीकारते हैं क्या? स्वामी दयानंद ने मुस्लिम कट्टर पंथ का भी जमकर आलोचना की, उनके अंधविश्वास की भी आलोचना की, हिंदू के राम 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 जपना पराया माल अपना है, आपके राम मुंह में राम बगल में छुरी, ये है आपके राम, ये बोला। देखो हमारे लिए तो सी राम मैं सब जग जानी, कर हूं प्रणाम जोर युग पानी, हम तो मानते हैं, लेकिन इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि 1990 में जब इनके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब रामदाना प्रसाद का नाम बदल दिया गया तो उसको मुलायम दाना कर दिया गया था। तो रामदाना का नाम बदलने वाले, ये नफरत तो राम से इनको थी ना, हमको राम से नफरत हुई क्या? जय श्री राम का नारा लगाकर जिन लोगों ने अयोध्या में
कार सेवा किया, निहत थे कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले, वो नफरत वाले थे कि प्रेम वाले थे, ये जरा बता दे क्या था। सरयू के रक्त को, सरयू के जल को हिंदुओं के रक्त से लाल करना, ये नफरत थी कि प्रेम था, जरा ये भी बता दीजिए ये क्या था। राम राम जो अपना पराया माल अपना कहने वाले, ये कह सकते हैं क्या कि अल्लाह अल्लाह जो अपना पराया माल अपना है, हिम्मत करे गिर की? राम राम जपने वाला कभी भी पराये माल को अपना नहीं कह सकता, क्योंकि राम जो है वो कल्याण के राम है, करुणा निधान है, राम जो है वो प्रेम के राम है, और राम जो है जब वो लंका विजय भी करते हैं तो लंका विभीषण को देते हैं, वो किष्किंधा विजय भी करते हैं तो किष्किंधा सुग्रीव को देते हैं, वो विस्तार के राम नहीं है, ठगी के राम नहीं है। राम राम के नाम को बदनाम वो लोग करते हैं जो स्वयं को मुल्ला कहराने में अभिभूत हो जाते हैं, उनको राम और इस तरह के नारे लगाना कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में जय श्री राम नहीं रुक सकते, उड़ सकते, वो ब्रह्मांड नायक है। आज उसी अयोध्या में बाबरवादियों की छाती पर ध्वज गाड़कर वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना? राजकुमार भाटी, आप मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया, केवल संक्षेप में एक ही वाक्य में जवाब दूंगा उनका, तो कि अगर वो हिंदू विरोधी होते, सनातन विरोधी होते, राम विरोधी होते तो अपने पुत्र का नाम अखिलेश ना रखते, क्योंकि अखिलेश भी ईश्वर का ही एक पर्यायवाची नाम है, राम जी का ही पर्यायवाची नाम है। दूसरी बात, आपने कहा राम राम जपना पराय मार अपना, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने और ऋषिकेश मुखर्जी जो इनके वहाँ के मेयर हैं अयोध्या के, उन्होंने ऋषिकेश क्या नाम उपाध्याय, उन्होंने 20 लाख रुपये में जमीन खरीदी 2 घंटे यहाँ के अंदर, 20 करोड़ की रजिस्ट्री कर दी, 2 करोड़ की रजिस्ट्री कर दी, राम का क्या जन्मभूमि के नाम, इसमें राम का अपना हुआ नहीं हुआ, राम का क्या दोष है, राम का क्या कुछ कर दिया, चोरी राम के नाम पे हुई कि नहीं हुई, उसकी जांच पर एसआईटी बनाई थी, उसकी जांच अंत तक नहीं हुई, राम के नाम एसआईटी, राम के नहीं पता वो हर जगह एसआईटी बनाई थी। एक सेकंड, अरे दोनों बीजेपी के कहना चाहते हैं हर चीज में राम को दोष, शादाब भी कुछ कहना चाहते हैं, शादाब को मौका दे, राम का दोष नहीं है, राम भक्तों का दोष है। देखिए राम के प्रति लोगों के अलग अलग भाव हैं। आप भी तो खुद चौहान हैं। हाँ, नहीं, पता ही। मेरे परिवार का हिस्सा, मैं उनको भगवान नहीं मानता, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, और मैंने कभी भी आपके शो में कई बार जब सनातन के खिलाफ जिस भी नेता ने अभद्र टिप्पणी की होगी, शादाब चौहान ने उसका खुलकर के विरोध किया, और इसलिए किया कि किसी के धर्म को गाली देना ये ना हमारी संस्कृति है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भारत का अपमान करते हैं, धर्म का नहीं अपमान करते। सवाल यह है कि श्री राम के नाम, लेकिन ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है कि विपक्ष में कुछ नेताओं को लगता है कि हिंदू धर्म को गाली देने में और राम के बारे में अभद्र भाषा बोलने में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में अभद्र भाषा बोलने में दूसरी तरफ का वोट मिल जाएगा? ऐसे कई नेता हैं, या तो वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, या वो वाकई इतना अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ गड़बड़ हो। दरअसल उनका डीएनए पे सवाल है, मैं तो कहूंगा कि जैसे हमारे देश के खिलाड़ी तो नहीं करते ज्यादा मैच फिक्सिंग, ये पड़ोस वाले करते हैं, पकड़े गए जेल वेल भी जाते हैं वो, तो वहीं से ट्रेनिंग लेके आए हैं, ये मैच फिक्सिंग कर रहे हैं बीजेपी के साथ, और बीजेपी में लोग ऐसे हैं जो उधर की फिक्सिंग कर रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, इधर वाले हिंदुओं, अरे भाई आपको मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए, आप श्रीराम के प्रति आस्था रखे रखिए, जैसे कि मैं सीना ठोक के कहता हूं कि स्वामी जी श्रीराम को भगवान मानते हैं, मैं श्रीराम को परिवार का हिस्सा मानता हूं, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी भी टिप्पणी नहीं करते ना, हम किसी के आराध्य को बुरा नहीं बोलते, ये राजनीति के लिए एक दूसरे के आराध्यों पर बकवास करना बिल्कुल जायज बात है। लेकिन 10 सेकंड मुझे दीजिए, लेकिन मुझे आपत्ति ये है कि बीजेपी ने एक माहौल बना दिया कि श्री राम जो हैं, जो हम जिस रूप से हम बताएंगे वही उनके ही राम हैं। अच्छा, आपके परिवार वाले राम कैसे हैं? हमारे परिवार के राम जो हैं वो अहिंसा वाले राम हैं, वो न्याय वाले, तो उन्होंने मतलब राम, उन्होंने, राम है, उन्होंने, राम, उन्होंने उन वाले राम, वाले। आपके वाले राम ने लंका पे चढ़ाई नहीं करी थी, किस लिए? न्याय के लिए, न्याय के लिए करी थी, लेकिन नहीं अहिंसा, तो संदेश खली में, संदेश खली में कट गया, संदेश खली में न्याय के लिए चढ़ाई करेंगे कब किया? एक सेकंड, संदेश खली में जो ममता बनर्जी कर रही है उस अन्याय के लिए चढ़ाई करेंगे? अगर सुन लीजिए, अगर वो वहां पर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए, लूटी गई, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, चाहे वो गुजरात की बेटी हो, चाहे वो संदेश खली की बेटी हो, अगर कोई ये कहता है कि उनकी, अभी तो संदेश खली की बेटी की बात सुन लीजिए, मैं हर बेटी की बात कर रहा हूं, अगर कोई कहता है कि हम रेप करेंगे, इस तरह की बकवास, तुरंत यूएपीए लगाइए, उस पर फांसी पे लटकाइए, और इसीलिए कहते हैं रेप पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा, ये ओके स्वामी, इनकी पार्टी के लोगों पर क्या होता है? स्वामी दिवाकर, एक बात अभी शादाब भाई ने कही,
मुझे रोचक लगा कि मेरे राम ऐसे हैं और तेरे राम ऐसे हैं। राम न्याय के देवता हैं और रोचक यह है कि उन्हीं के देश में उन्हीं को न्याय मिलने में 500 साल लग गए। अभी विवेक भाई ने भी कहा कि महात्मा गांधी के राम अलग थे क्या, आपके राम अलग हैं क्या। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा एक शब्द था कि रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, आगे था सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालीग्राम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम, इसके आगे ये शब्द थे, ये नहीं थे। तो नहीं चेंज करना चाहिए था गांधी को। अब भाई बोलने तो गांधी गलत थे, ये गलत बात है भाई। गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, गलत थे, ये गलत। गांधी को भी एक कट्टर हिंदू आपकी तरह होना चाहिए था, गांधी को भी मुसलमानों को साइड ट्रैक करना चाहिए था, गांधी को भी काल्पनिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। अमीश बाबू हिंदू राष्ट्र की कल्पना जी बोले दीजिए, बोले मैं भी ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मानते नहीं है। अमीश आपने कसम खाई आज विवेक भाई, हम एक ही बात कर रहे हैं। नहीं ये मैं भी यही कह रहा हूँ, ये भी ये कह रहे हैं कि गांधी को नहीं मानते। अमीश गांधी को नहीं मानते। अमीश भाई एक चीज है कि मैंने मात्र ये बताया कि लिखा किसने था और असली क्या। क्यों बताया आपने? इसलिए बताया मैंने, गांधी को नीचा दिखाने के लिए बताया। इसलिए आप प्रेमी जीव हैं, मैं मात्र आपकी चिंता होती है, मात्र इतना कहना चाहता मेरी आप अपनी चिंता आप पाला कर लीजिए, आप अपनी चिंता आप इधर आओ, आपको बोलने नहीं देंगे, गलत लोगों के साथ जुड़ जाइए आपको बोलने नहीं देंगे। ये दादा ये गलत है, अगर मुझे बोलने के लिए वहां आना पड़े तो इस भारत का ये फेलियर है। नहीं नहीं नहीं, कि मुझे बोलने के लिए वहां आना पड़े, समस्या मात्र इतनी सी बात खड़ी है, समस्या वहां है। कोई तुखे दादा इधर कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो रहा है दादा। स्वामी दीपांकर मैं हूँ, देखिए क्या उछल कूद हो रहा है। नहीं नहीं कोई उछल कूद नहीं हो रहा है, बोलने दीजिए ना भाई, आप अपनी बारी में बोलिए। जगह पे भी आ रहे हैं आप, अपनी बारी में भी बोलिए। इनका गठजोड़ उनसे तोड़ दीजिए भाई साहब। अब गठजोड़ मेरा गठजोड़ राम से है दादा, मेरा गठजोड़ राम से है, था और रहेगा। और रही बात महात्मा गांधी जी, अरे इनका ही नहीं, हम सबका गठजोड़ राम चाहिए भाई। अच्छी बात है, सब राम का ही है। जीवन की शुरुआत राम है, जीवन का अंत राम है, अनंत राम है। पर रोचक ये है, इन्हें वो भी बुरा लगता है। अगर बात राजनीति की हो तो खुलकर उत्तर दीजिए, बात राष्ट्रवाद की हो खुलकर बोलिए, बात धर्म की हो तो हंसना मत, वरना यही सामने खड़ी जमात एक दिन आप पर हंसेगी। और आप मौन होकर देखते रहिएगा, आप सोचिए कि यहां खड़ा होकर मैं नहीं बोल पा रहा, वहां खड़े होकर तुम नहीं बोल पा रहे, सोचिए इस देश में बोलना कौन चाहता। एक व्यक्ति पीछे हर चीज को मोदी 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 का विरोध करते करते देश का विरोध, और देश का विरोध करते करते मोदी का साथ का विरोध, मतलब इतनी स्थिति का साथ देते देते शंकराचार्य को भी त्याग दिया। इतना एक बात अमीश भाई बोलने दीजिए, मोदी का सुनिए भाई साहब, सुनिए शंकराचार्य को भी त्याग दिया। ऐसी बात है तो दिल की बात बताता हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई खड़ा होकर रुद्राक्ष की माला अगर गंगा में घुमाता है तो मेरा स्वाभिमान है, कोई अगर राम मंदिर बनाता है तो मेरा स्वाभिमान है, कोई केदार का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरा स्वाभिमान है, किसी पे निर्भर नहीं है, कोई काशी का जीर्णोद्धार नहीं है, कोई काशी का जीर्णोद्धार कराता है, कोई काशी का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरा स्वाभिमान है। और अगर मेरा निर्भर है तो आप गलत है, गजबे आदमी हो भाई। अच्छा ठीक है, आप जो तन भी मैं हूँ, धन भी मैं हूँ, इस जीवन का अनन्य भी मैं हूँ, जीत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लास्ट का एक शब्द बता रहा हूँ, कि ज्ञान भी मैं हूँ, मान भी मैं हूं, और जीवन का अपमान भी मैं हूं, संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, आधी और अनंत भी मैं हूं। तो याद रखिए, उसके विरोध में जाइएगा तो टिक नहीं पाइएगा। ये भारत है, ये भारत है। सवाल सवाल लोगों के सवाल है और सवालों की धार है। सर आपने बोला कि भारत के मतलब 14-15 इतने साल हो गए और हमें अपनी संस्कृति चेंज नहीं करनी चाहिए, हमें अपना खान पान चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए। तो अदर रिलीजियन के लोग क्यों हमारी मतलब फॉलो कर रहे हैं, हमें हमारा ड्रेसअप हमारा खान पान सारा क्यों फॉलो कर रहे हैं? कह रहे सात्विक खाने की बात हो रही है पूरी दुनिया में, वो कह रहे हैं सब हमको फॉलो कर रहे हैं, हमें अपना बदल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? संस्कृति समय के साथ बदलती है, महिलाओं के वस्त्र बदलते हैं, महिलाओं का खान पान बदलता है, आपका खान पान बदल, आपके भी कपड़े तो बदल गए। आज मैं कोट पहन के आया हूँ, अरे ये संस्कृति मेरी नहीं है। यू हैव टू चेंज विद टाइम। एक चीज मैं आप कहूंगा कि इससे स्वामी जी भी एग्री करेंगे और जितने लोग हैं सब एग्री करेंगे, हमारी संस्कृति यह है कि हमारी वेशभूषा किस प्रकार होनी चाहिए, नग्नता समाज में नहीं होनी चाहिए। क्या हम लोग इसकी मांग करते हैं? स्वामी जी भी विरोध नहीं करेंगे, क्या सब लोग स्वीकार करने तैयार है? आप बताइए।
नहीं, मुझे लगता है कि विवेक जी कह रहे हैं कि बुर्का बदल देना चाहिए, कल्चर चेंजेस, बुर्का नहीं पहनना चाहिए लोगों ने। ये कह रहे हैं क्या? ये स्वीकार रहे हैं, ये कह रहे हैं। अगर मेरे देश में, मेरे देश में अ वुमन शुड बी गिवन द फ्रीडम ऑफ चॉइस, ओके, वेरी गुड, मैरी कि सर, ये नहीं कि इनकी तरह जाके बजरंग दल वाले वैलेंटाइन डे रोकने लगते हैं और पार्कों से लड़के लड़कियों को उठा के पिटाई शुरू, और राम सेना वाले पहुंच जाते हैं बेंगलोर के बियर में और बाल खींच के लड़कियों को लगाते हैं। तो ये संस्कृति मैं नहीं मानता। मेरी संस्कृति है एक मर्द और एक औरत इक्वल हैं। एक औरत को राइट है किससे शादी करे, क्या खाए, क्या पहने, किसी भी काम करे। एक सेकंड, किसी भी धर्म में बहु विवाह समाप्त हो जाना चाहिए, हाँ या ना, बोलिए। नहीं, चेंजेस है, किसी भी धर्म में बहु विवाह समाप्त होना चाहिए, हाँ या ना, बोलिए। अच्छा अच्छा, समय के साथ बदलिए, तो समय के साथ बदलिए, रिफॉर्म्स जरूरी हैं। महिलाएं इस देश में नहीं, 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 बहुविवाह समाप्त, देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी। जी जी, बहुविवाह बिल्कुल, व्यर्थी बात करते हैं, सोचिए, जीव लड़खड़ा जाता है। मैंने कह दिया भाई साहब, बहुत मुश्किल होता है मरने तक जिंदा रहना, बहुत मुश्किल होता है। बार बार आप ये बताइए, आप ये बताइए, अरे भाई सन्यासी हूँ, साबुन हूँ क्या, सफाई देता रहूँ बार बार जी, एक बार 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 बार। मगर एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपके, देखिए कोई भी, हम लोग सब एक हैं, परिवार हैं, हम ही लोग ना कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और अपने ही परिवार में, एक कुटुंब में अपनों को एक चीज से वंचित रहना पड़े तो वो कैसा समाज, कैसा राष्ट्र, कैसा भारत? आज कल कोई सवाल है, प्रेमी सवाल है, परमानेंट के सवालों की धार होनी चाहिए। सवाल पूछे आपको, कोई सवाल, क्या सवाल है आपका? जैसे कि 70 साल से हमें मोहम्मद गौरी और अकबर की कहानी पढ़ाई गई है, क्या उस कोर्स कोड में एक राम की कहानी नहीं आ सकती है? उन राम के नाम पे मंदिर बन गया, हमारी सरकार ने मंदिर बनवा दी, लेकिन उनके आदर्शों को जानना अभी तक भी नहीं पता बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता है कि राम मंदिर, राम का आखिर क्या रूप था, क्या कैसे थे वो, क्या उनके आदर्श थे, उनकी कहानी हमारे, हमें बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो अब प्रेम शुक्ला जी, अभी 10 साल हो गए, काम करना बहुत बाकी है अभी। नहीं, काम निश्चित तौर पर चल रहा है, और जो कह रही है हमारी बहन, वही होने की आवश्यकता। इसीलिए जो है हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। लेनिन, स्टालिन, अकबर, औरंगजेब को बाहर किया गया है, राम कृष्ण ही आएंगे इस देश में, इस देश के कृष्ण राम ही जो है वो प्रतिनिधि है, औरंगजेब, बाबर और लेनिन, स्टालिन नहीं है। अस्पताल जाएंगे, जब बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल भी हमारी संस्कृति का अंग है जी, इनके साथ खड़े होकर के विज्ञान, धन्वंतरी भी हमारी संस्कृति के अंग है बाबू, तो इनके साथ खड़े होकर के विज्ञान को बांटेंगे। आश्चर्य हुआ कि या तो आजकल ये स्कूलों का सिलेबस चेंज कर दिया गया, या हो सकता अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल है उनमें ना पढ़ाया जाता हो। हम तो जब पढ़ते थे, हमें तो 4th-5th क्लास में राम की कहानी पढ़ाई गई थी, 6th क्लास में फिर रामचरितमानस की चौपाइयां आती थी, और लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा पढ़ाया जाता था, उन्हें याद भी कराया जाता। फिर कक्षा 6 में एक हमारे पूर्वज नाम की किताब लगती थी, उसमें परशुराम जी की भी कथा थी, नचकेता की थी, ध्रुव भगत की थी, सावित्री की थी, सीता की थी, उसमें तमाम कहानियां पढ़ाई जाती। ये सब कथाएं पढ़ा दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं नहीं, वो बात छठी में जो आपने पढ़ा है, गंभीर बात कह रहा हूं, आप उसे हल्की कर रहे हो, ये सब गंभीर बात कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी भी बड़ी भारी मदद हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। मैं या तो उनके सवाल को और मेरे जवाब को नहीं समझा, आपके जवाब को सुन रहा हूं, लेकिन समय, बहुत जरूरी सवाल उठाया। जी जी, समय इतना ही है, भारतीय संस्कृति होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ हमारे टाइम में तो थी। जी जी जी, बहुत लेकिन, लेकिन मेरा निवेदन जो मैंने आपको करा उसको जरूर पहुंचाइएगा अखिलेश जी तक। आप सबको मेरी राम राम, आप सबको मेरा धन्यवाद और आभार, और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ये बात सत्य है और ये बात तथ्य भी है कि भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है, और इस डंके को बजता हुआ देख हर भारतवासी, हर भारतवासी, एक नहीं दो नहीं, बिना कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी के, वो अभिभूत है, वो खुश है, और वो इस पल को महसूस करना चाहता है। और मैं जो ये शब्द कह रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, वाणी बेशक मेरी हो, ये शब्द हैं भारतीयों के, जो वाकई इस सनातन काल से अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं। जय सियाराम, नमस्कार, जय हिंद।